गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यूट्यूब के कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें से पहला जो अपडेट था वो था कि अब आप अपने YT स्टूडियो से भी आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप YouTube से करते थे वैसे ही YT स्टूडियो से भी अब आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी अपडेट के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप YT स्टूडियो से अपने वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं YouTube पे। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो वीडियो में साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो प्लीज़ साउंड को, ये जो बारिश का साउंड है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो के ऊपर वापस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहे थे कि आप कैसे अपने YT स्टूडियो से ही YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो वो अपडेट अब बहुत से लोग को मिल रहा है, धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। अगर आपको नहीं मिला तो आप भी थोड़ा वेट करेगा, अपडेट करके रखिएगा अपने YT स्टूडियो को, ताकि आपको भी वो अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे मुझे वो मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं सिंपली YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना, जैसे मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको देखेगा बेल आइकन के बगल में, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन शो हो जाएगा, जो कि पहले शो नहीं होता था आपके या फिर मेरे YT स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप जब भी आप अपना YouTube पे अपलोड करते हैं वीडियो, तो आप सिंपली YouTube पे जाके प्लस वाले आइकन पे जाके आप करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है सेम YT स्टूडियो में। यहाँ पे आप जाएंगे, प्लस वाला आपको आइकन शो हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस वाले आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, एक है पहला है क्रिएट अ शॉर्ट और दूसरा अपलोड अ वीडियो। तो अभी ये दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में आपको क्रिएट पोस्ट वाला भी ऑप्शन हो सकता है शो हो जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक शॉर्ट्स के लिए और एक लॉन्ग के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपको अगर लॉन्ग वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पे सिंपली आप अपलोड अ वीडियो पे जाएंगे। अपलोड अ वीडियो पे जाने के बाद यहाँ पे अब आपका डाउनलोडिंग अपडेट, यहाँ पे तो यहाँ पे अपडेट मांगे तो आप अपडेट कर दीजिएगा। और फिर वहाँ पे जैसे आप अपलोड वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ से आप जो भी आप वीडियो आपने शूट किया होगा वो आप यहाँ से चूज़ करके आप लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं जैसे आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने ये वाला वीडियो ले लिया है, यहाँ पे ये वाला वीडियो देख के आप जैसे सिंपली जैसे आप YouTube पे जाकर करते हैं वैसे आप करना है। यहाँ पे आप टाइटल लिख देंगे, टाइटल यहाँ पे एड डिस्क्रिप्शन प्राइवेट ये सब आप कर सकते हैं, जैसे आप YouTube पे करते थे वैसे ही आप यहाँ से YT स्टूडियो से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि आप शॉर्ट्स वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट अ शॉर्ट्स पे आप जाएंगे। शॉर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ से आपका जो YT स्टूडियो वो डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे साइड में नीचे आपको गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे आप जाके यहाँ से आप जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे वो आप वीडियो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप YT स्टूडियो से भी अपना वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, सेम वैसे ही स्टेप रहेगा जैसे आप YouTube से करते हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं, YouTube से या फिर YT स्टूडियो से। तो बस ये था वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।